सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम 4GUI को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। 4GUI ऑटोमेटिक 11.11 से फास्टर है और इसके अंदर हमें फ्लक्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और आप चाहो तो इसको कोलैब पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको कोलैब पे नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसको लाइटनिंग एआई पे यूज़ करूँगा। लाइटनिंग एआई फ्री है और इसके साथ आपको इसमें कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती अकाउंट बनाने के लिए। इसके अंदर हमें एक फ्री स्टूडियो मिलता है जिसको हम 24/7 यूज़ कर सकते हैं विद 4 आवर्स ऑफ सेशन लिमिट। और इसके अंदर हमें 22 मंथली GPU आवर्स मिलते हैं, मतलब हम इसको 22 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं GPU को। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ ये रिन्यू हो जाता है, फिर आप उसको नेक्स्ट मंथ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें विजुअल स्टूडियो कोड बेस्ड इन्वायरमेंट मिलता है। सो मैं लॉन्च स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ। दिस विल टेक फ्यू सेकंड्स टू स्टार्ट। नाउ ये स्टार्ट हो चुका है। देन मैं इसमें GPU सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 4GUI को यूज़ करने के लिए हमें GPU सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ अवर GPU रन टाइम इज रेडी, लेट्स स्विच टू GPU रन टाइम। अब आपको क्या करना है, इसमें टर्मिनल को ओपन कर लेना है। सो मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। देन आपको जाना है इस रेपोजिटरी पे, इसके लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। अब ये रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहा है, सो हम इसके अंदर फ्लक्स के मॉडल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो उसके लिए हमें इस पे जाना है, 4GUI लाइटनिंग एआई पे, देन स्टेबल डिफ्यूजन वेब यूआई फोर्ज, देन मॉडल्स, देन स्टेबल डिफ्यूजन। आपको इसके पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, देन आपको न्यू टर्मिनल ओपन करना है, देन CD, और जो आपने पाथ कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन हिट एंटर। नाउ हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें इस मॉडल को इंस्टॉल करना है, सो अब इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से। मैं इसके अंदर जल्दी और मॉडल्स को ऐड कर दूंगा। सो नाउ इट विल टेक टाइम टू इंस्टॉल बिकॉज ये अराउंड 12 GB का मॉडल है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। सो लेट्स वेट। सो आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। आप इस लिंक पे क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं दूसरे मेथड का यूज़ करूँगा। मैं वेब ऐप्स में जाके पोर्ट व्यूअर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसकी मदद से भी हम पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो पोर्ट व्यूअर पे क्लिक करेंगे, न्यू पोर्ट। आपको ये जो पोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है वही पोर्ट यहाँ पे भी डालना है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देन न्यू पोर्ट। आपको जो वहाँ पोर्ट दिख रहा है उसको यहाँ पे यूज करना है, देन आपको इस पे क्लिक करना है, देन थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है, ये हाईलाइट हो जाएगा, देन क्लिक ओपन। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर सेकंड मॉडल को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि वो वाला मॉडल हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्लक्स टैब PNG एंड एक्पो। सो मैं सेकंड वाले मॉडल को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ।
सो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। नाउ अब हम इस पर जाते हैं, 4GUI पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट UI मिल जाता है। मैं फ्लक्स का यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स का हमारा मॉडल शो कर रहे हैं। सो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्लक्स टैब। देन मैं सैम्पलिंग स्टेप्स को 20 20 कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाऊँगा। नाउ हम इसमें एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, लेट्स जनरेट द इमेज। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम जनरेट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, सो हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इमेजेस काफ़ी अच्छी बनी है। लेट्स जनरेट अनदर वन इमेज। दिस इमेज इज ऑल्सो गुड, लेट्स ट्राई अनदर वन। हम देख सकते हैं उसने इमेज तो बनाई, बट इसके अंदर स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है इसने, और ये हैंड्स भी अच्छे नहीं है। ये हैंड्स ह्यूमन वाले लग रहे हैं। लेट्स ट्राई अगेन, आई मेक दिस कैपिटल। इसमें स्पेलिंग तो करेक्ट है, बट प्रीवियस वाला थोड़ा अच्छा था। इसमें हैंड्स भी, इसमें भी हैंड्स वैसे ही बने हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें मॉडल को चेंज करता हूँ। मैं दूसरा मॉडल इसमें यूज़ करता हूँ। मैं ये वाला मॉडल नहीं यूज़ करने वाला, FP8। मैं ये वाला यूज़ करूँगा, NF4। ये थोड़ा अच्छा है इससे। इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है, आप पहले इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जनरेट करके चेक करता हूँ। अगर अच्छी इमेज जनरेट होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो देख सकते हैं ये इमेज स्टार्ट हो गया जनरेट होना। सो लेट्स वेट। ये इमेज तो सही बनी है, इसका हैंड्स थोड़ा डॉग की टाइप का लग रहा है, बट एक में 3 फिंगर्स है, एक में 4 फिंगर्स है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई नहीं, सही है ये। फिर भी इसके अंदर देख सकते हैं थोड़ा इमेज ब्लर आ रहा है, तो इसको फिक्स कर सकते हैं हम। इसको फिक्स करने के लिए आपको उसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है DPM++2M। फिर इसके अंदर आपको यूज ये वाला सिलेक्ट करना है, क्या ना, SGM यूनिफॉर्म। देन जनरेट इमेज। ये क्या करेगा, ये सैम्पलर है, ये इसको इस सैम्पलिंग मेथड जैसे आप चेंज करोगे तो ये इमेज ब्लर आना बंद हो जाएगा और आपको अच्छी इमेजेस मिलेंगी।
मैंने ये ट्राई किया है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेकर के, ये बेस्ट काम कर रहा था। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लर इफेक्ट बहुत कम है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।